नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। जननायक जनता पार्टी पंचकुला ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी बारे किया एक संगोष्ठी का आयोजन। आपको बता दें कि जेजेपी पंचकुला द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन पर प्रकाश डालने तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा हेतु पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में रविवार को शाम को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए जजपा शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी बारे चर्चा करने के लिए जजपा द्वारा रेस्ट हाउस में एक बहुत ही शानदार तथा उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के काफ़ी प्रबुद्ध लोगों व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सिहाग ने बताया कि ये संगोष्ठी 3 घंटे तक चली तथा इसमें बाबा साहेब अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, उस समय की घोर जाति प्रथा व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन द्वारा किए गए संघर्ष, सामाजिक क्रांति लाने में उनकी भूमिका, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनके द्वारा किए गए प्रयासों, उनके द्वारा देश हित व समाज हित में किए गए कार्यों तथा भारत के संविधान को तैयार करने व बनाने में उनकी भूमिका बारे विशेष वक्ताओं द्वारा ठोस तर्कों के साथ साथ अपनी बात संगोष्ठी में भाग लेने आए हुए लोगों के समक्ष रखी। लगभग सभी वक्ताओं ने उनको महामानव की संज्ञा दी तथा कहा कि भारत में आज आम आदमी जिस खुली हवा में चैन से सांस ले रहा है वह उन्हीं की देन है। शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग ने बताया कि संगोष्ठी में भाग लेने आए लोगों ने बहुत ही अनुशासन का परिचय देते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन पर वक्ताओं द्वारा दिए गए व्याख्यानों को सुना। इस गोष्ठी में जजबाज पंचकुला द्वारा बाबा साहेब को याद किया गया तथा उन द्वारा जो असाधारण कार्य किए गए वह पीड़ितों व उस वक्त के सामाजिक ताने बाने के हिसाब से अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के न्याय दिलाने के लिए उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को याद करके उन्हें नमन भी किया गया। ओपी सिहाग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि संगोष्ठी के आयोजन में ईश्वर सिंह मार, डॉक्टर आर के रंगा, सुरेंद्र चड्ढा, वरिष्ठ नेता के सी भारद्वाज, जयकरण चंडी कोटला का काफ़ी योगदान रहा। इस संगोष्ठी में वरिष्ठ नेता रामफल यादव, महिला जजपा जिलाध्यक्ष रजनी बाला, पार्षद मयंक लांबा, एससी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गुरुदेव चरणिया, अमित सोनकर, राजेंद्र लौट, नसीब सिंह वाल्मीकि, जसवीर जस्सी, राजेंद्र मेहरा, बलबीर सैनी, उपेंद्र दुबे, चमन गुज्जर, स्वामी चरण, विकास मलिक, गुरबचन पुंज, हीरामान वर्मा, अभय सिंह, रघुवीर सिंह मेहरा सहित काफ़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे।